वेद का मूल मंत्र क्या है? ओम। ओम में पंच मात्रा है, ओ जोर ऊ जोर म जोर अर्धचंद्र जोर बिंदु, अ ब्रह्मा उ विष्णु म महादेव अर्धचंद्र अध्या और बिंदु निरंजन। इसी के खानदान को पूजा करके हर पंथ वाला दिस कलेक्शन ऑफ फाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मस्ट अथोरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर। टीचिंग ही टीचिंग, नाइदर न्याय नॉर मीमांसा नाइदर जोग नॉर सांख बट इज बेस्ड इन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ हिज ओन। कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है न जोग है न मीमांसा है न वैशेषिक है, वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित है। सब लोग वेद पुराण की बात पैंचा लेके करते हैं, रामायण की बात पैंचा लेके बोलते हैं, सुख सागर की बात बोलते हैं, श्रीमद् भागवत की बात बोलते हैं, गीता की बात बोलते हैं, कबीर अपने अनुभव की बात बोलते हैं, कबीर किसी से पैंचा नहीं लेते। एक गांव में बहुत बड़ा विद्वान आया, प्रकांड पंडित, और राजकीय मध्य विद्यालय पर रुक गया। एक ढोल बजाने वाले को 500,000 रुपया दिया और कहा कि तू जितना देर सक सको भर दिन में, जितना देर दूर तू चल सको, हर जगह ढोल बजा दो कि है इस एरिया में कोई विद्वान पंडित, अनेक भाषा के जानकार, अनेक शास्त्र का जानकार, तो आके हमसे हाथ मिला ले। वो डिगडिगिया पीट दिया, सारे विद्वान पंडित अपना अपना घर पकड़ लिए डर से, अगर विद्वान नहीं है तो दूसरे गांव नगर से आकर और मेरे नगर में चैलेंज ठोका है, झूठ के उससे शास्त्रार्थ करके मरना ही पड़ेगा, हार तो खाना पड़ेगा, इसे अच्छा है जाना नहीं है। कोई नहीं आया, एक साधारण कबीरपंथी चला गया उसके निकट में, एक साधारण कबीरपंथी गया और कहा हाथ मिलाइए। इसका कुर्ता धोती गंजी गमछा देखकर वो बेचारा तो बिल्कुल चिंता में पड़ गया। ये साधारण आदमी आया है हमसे हाथ मिलाने। कहा आप कितने भाषा के जानकार हैं, कितने ग्रंथ के जानकार हैं? कबीरपंथी साधु कहा जिसकी गिनती नहीं। कहा बाप, इतना भाषा के आप जानकार हैं? कहा जी। किस ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा? वो कबीरपंथी साधु कहा मैं आपसे अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। वो विद्वान कर जोर लिया, कहा सारा ज्ञान मैंने प्राप्त किया लेकिन अनुभव ज्ञान मेरे पास नहीं है, मेरी हार हुई, मेरी हार हुई और आपकी जीत हुई, जाइए। सदगुरु कबीर तो अनुभव की बात करते हैं, साहेब कबीर तो अनुभव की बात करते हैं, अपने जीवन में घटे हुए बात की चर्चा, वो वेद पुराण उपनिषद स्मृति और रामायण महाभारत की बात नहीं करते हैं कबीर। दादुर सोबे सर्प पहरुआ, ये तीन बात मैंने आपके सामने रखा है और वेद के पुराण के स्मृति के रामायण के जितने भी ऋषि महर्षि हुए वो सब तीन गुण वाले हैं। आपने हर जगह सुना है ग्रंथ सब में कि ऋषि ने फलाने को श्राप दिया, ऋषि ने फलाने को श्राप दिया, फलाने को मार दिया, एक लव का अंगूठा कटवा लिया, कर्ण को स्कूल से भगा दिया गया और महिषासुर को मार दिया गया, ये बात आपने सुना होगा। वेद के जितने ऋषि हैं वो या तो कामी हैं, नहीं तो क्रोधी हैं और नहीं तो लोभी है। उसी ग्रंथ को सारे लोग पढ़ते हैं और उसी से मुक्ति पाना चाहते हैं। बीजक से साहब कहते हैं खट दर्शन मिली पंथ चलायो त्रिदेवाधिकारी,
जितने भी पंथ चल रहे हैं उस सब के अधिकारी तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। या तो कामी नहीं तो क्रोधी, नहीं तो लोभी। यही तीन विषय के लिए कबीर ने तीन बंदगी का प्रावधान किया। ये तीनों बड़ा तगड़ा काल का जाल है। इन तीनों जाल को काटने के लिए साहेब कबीर आत्मज्ञान रूपी कैंची लेकर के आए थे कि तीनों जाल को हम काट देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्यवश कबीरपंथी भी इसी जाल में उझला रहा है। काटेगा कहाँ से, इसमें ही घुरमुरिया खा रहा है जाल में फंस के। सारे लोग क्रोधी रहे हैं। आज तक साहेब कबीर के बारे में इतिहास है कि कबीर ने किसी को शराप नहीं दिया है। दिया है कोई पन्ना में कहें? कबीर ने किसी के साथ धोखा किया? कबीर ने किसी के साथ छल किया? कबीर ने किसी को वरदान दिया? कुछ नहीं। दादुर सोबे सर्प पहरुआ। आपके क्रोध भरी बात से, आपके क्रोध भरी गाली से आपकी पत्नी जल के मर गई, रेल में कट गई, पानी में डूब के प्राण गमा दिया। आपका एकलौता बेटा बाप के बात से रेल में कट गया, पानी में डूब के मर गया। पुतोह के बात से सास डूब के मर गई, और ननद के बात से भाभी डूब के मर गई। ये मांस के खाया? पुतोह के शरीर का वजन अगर एक कुंटल था तो एक कुंटल मांस के खाया? अधसर खा गया न मेढक को? अधसर खाया न मेढक के? तब आप भगवान के फेर में पड़े हुए हैं। सारा कुछ आपके विचार से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आचार्य परवर धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया में बाजारे में किधरों 3 दिवसीय चल रहा था। साहब जी रोज सवेरे में शाम का सत्र करके चले आते थे आश्रम, और सवेर के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके जाते थे, जा रहे थे सवेरे। उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहा था। साहब जी के गाड़ी में लिखा हुआ देखा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब, जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। वो इशारा किया गाड़ी को रोकने के लिए, तो साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी दरवाजा खोल दिए, दरोगा जी आए और साहेब जी का चरण छूकर प्रणाम किया। कहा गुरु जी, सुनने में आया कि पूर्णिया में आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, विचार में आया कि जाऊं, जरा गुरु जी के विचार को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। साहेब जी कहे क्यों नहीं आए? तो दरोगा कहता है ऊपर का के कृपा। तो साहेब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो वो कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं। साहेब जी कहे हम निचल का को मानते हैं, हम ऊपर का को नहीं मानते। तो वो कहा कि इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं है। दरोगा बोला आप लोग सच्चे साधु नहीं है, और रामचरितमानस का एक चौपाई बोल दिया झट से, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है तो मानव को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि गई दरोगा जी के होठ पर, होठ में वो तंबाकू रखा था। साहेब जी कहे दरोगा जी ये होठ में तंबाकू है ऊपर का के कृपा से कि निचला के कृपा से? का न ये तो है निचले के कृपा से। अच्छा मांस भी खाते हैं? कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हैं ऊपर का के कृपा से कि अपना कृपा से? न ये तो अपने कृपा से।
दारू पीते हैं ऊपर का के कृपा से कि अपना कृपा से, ना ये हो अपने कृपा से। आ कोई कपार फोड़वा के इज्जत लौटवा के आपके थाना जाता है FIR दर्ज कराने, और माल पत्ती जो फरियाते हैं घूस, ये किसके कृपा से? तो ये हो अपने कृपा से। साहब जी कहे अरे ए भले आदमी, खैनी खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, आ सत्संग में जाते हो ऊपर का कृपा से। बट उसको हटाए, साहब जी की गाड़ी निकल गई।